सभी को प्रणाम। मेरा नाम रूबी देवी, थाना हसपुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार की रहने वाली हूँ। संस्था द्वारा मिला गया है टीचर के रूप में सिलाई सिखाने का 30 लोगों का, तो 9 लोग हैं, उसमें 3 लोग सिलाई मशीन ले चुके हैं और 3 लोग को अपना कपड़ा लत्ता सी रहे हैं, 6 लोग हैं अपना दूसरे के यहाँ आकर सीते हैं और कुछ अपना कमाते हैं, 2 पैसा भी अपना भी कपड़ा सीते हैं। और हम लोग 30 लोग जाकर दूरी होता है तो हम लोग को आने जाने में दिक्कत भी होता है। मैं दिव्यांग हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा पंखा और पानी का दिक्कत होता था और जगह की कमी से हम लोग का भी दिक्कत होता था। और 30 लोग थे तो उसमें मशीन बिगड़ जाता था, थोड़ा सा और परेशानियाँ होती थी हम लोग का। अगर हम लोग का 3 लोग मशीन ले चुके हैं, अगर और को मिल जाता तो और अच्छा की बात था कि अपना घर में कुछ पैसा अपना कमाते और कपड़ा भी सीते। तो हम लोग का यही परेशानियाँ होता है, आने जाने में भी हमको दिक्कत होता था। अगर हम प्रशिक्षक के रूप में अपना बच्चों को सिलाई सिखाए, अगर और कुछ व्यवस्था हम लोग का मिल जाता तो बहुत अच्छा की बात था कि हम लोग आगे में कदम बढ़ाते और भरोसा होता कि हम लोग सिलाई में आए तो इतना बुद्धि हुआ कि हम लोग कपड़ा भी सीते थे। हम लोग का भी अभी कपड़ा सीने का कोई भी आदमी, गरीब का आदमी नहीं सीख पा रहे थे, मगर इसमें इस संस्था में आकर अपना कपड़ा लोग गरीब अपना सी रहे हैं, 2 पैसा भी कमा रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा और संस्था मिल जाता गरीब को तो बहुत अच्छा की बात है कि मशीन मिलने का व्यवस्था कर दे तो और आदमी आगे बढ़े, कदम बढ़ाते जाए।